दोस्तों मेरे सामने एक थायराइड की पेशेंट हैं जिनको आज से कुछ दिन पहले कई सालों से पैर में दर्द था। तो जब मैंने चेक किया तो उनका फ्लैट फुट था, जिसकी वजह से पांव के अंदर उनको प्लांटर फेसियाइटिस नाम की तकलीफ हो गई थी। उसके कई डॉक्टर से मिला, हड्डी डॉक्टर दिखाया, फिजियोथेरेपी करा, पर उनको आराम नहीं मिला। फिर हमने उनको एक स्पेशल चप्पल बताई, वो चप्पल खरीदा और उसका उनका दर्द ठीक हो गया। अब उसे खुद के मुँह से सुन, उससे पहले मैं आपको चप्पल दिखाता हूँ। पहले चप्पल को जरा मुझे उस चप्पल को, इस चप्पल को क्या, इस देखो भाई, इस चप्पल क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बाटा ये स्कॉल। देखो ये बाटा का स्कॉल मॉडल है ये। देखो ये डॉक्टर सॉल की चप्पल आती है, देखो ये चप्पल है जिसके अंदर बीच में आप देखेंगे, यहाँ पे बीच में उठा हुआ है, आप देखिए मैंने कहाँ उठा, दिखाई कहाँ उठा हुआ है, देखो ये देखो यहाँ उठा हुआ है। इसे फर्क क्या पड़ता है, जब मेरी इसे पैर रखता है तो क्या होता है कि उसका जो जो पूरा वेट है यहाँ बीच चप्पल बीच पड़ता है, पीछे उठा रहे हो उसका उसका जो वेट है उठा होने की वजह से वेट यहाँ पड़ता है, तो तलवे को थोड़ा सा प्रेशर कम पड़ता है तो धीरे धीरे दर्द ठीक हो जाता है। तो इसे बोल देखो इसे बोलते हैं मिड आर्च सपोर्ट का चप्पल। ये डॉक्टर सॉल का आता है जो कि बाटा के मिलता है और सॉल कंपनी का, सॉल कंपनी का है और करीब 2500 रुपये का आता, जान लीजिए दुर्भाग्य से महंगा है। अब बहन जी खुद पूछते हैं कि इस चप्पल पहनने के बाद इनको क्या आराम मिला। बहन जी लीजिए, अगर इसको बोलिए जरा मुझे इससे बहुत आराम मिला है, जैसे मुझे मेरे नए पैर मिल गए हैं, मुझे चलने में दौड़ने में कोई परेशानी नहीं होती है, वरना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता था चलना, घर में भी बाहर में भी। अब मैं कहीं भी आ सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ बिना किसी दर्द के। मुझे डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना है जो उन्होंने मेरी समस्या का हल निकाला। मैं इसकी बहुत परेशान था इसके पैरों से, ये हमेशा कहती रहती थी मेरे पैर चला नहीं जाता, हमेशा सूजन रहती थी पैरों में, कुछ काम नहीं कर पाती थी, कहीं बाहर जाना था तो मना कर देती थी कि मेरे बस की मुझे नहीं कर पाऊँगी, मैं नहीं जा पाऊँगी, मेरे हमेशा बहुत दर्द रहता था। लेकिन डॉक्टर साहब से मिले हम जाके, डॉक्टर साहब ने फिर हमें जो है ये सलाह दी मिड आर्च सपोर्ट की। हमने इसका खूब ढूंढा, कई कई अच्छे अच्छे शोरूमों में भी गए लेकिन नहीं मिल रहा था। फिर हम बाटा पे गए, वहाँ पे हमें उसने बताया कि फ्लैट फुट की दिक्कत है, इसके लिए हमारे पास है मिड आर्च सपोर्ट में आपको ये सैंडल्स मिल जाएंगे। उन्होंने दिखाया और फिर जो पहना जब से बहुत ज़्यादा आराम है इसको, बिल्कुल जो है हर जगह जा सकती है, आ सकती है, चल भी पाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। तो डॉक्टर साहब की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब हमें बहुत फ़ायदा मिला है। देखो दोस्तों क्या होता है कि जो प्लांटर फेसियाइटिस होती है तो क्या होता है कि चाहे मिड आर्च फ्लैट फुट हो या कभी कभी जो पैर का आर्च है ना उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाता है। ऐसे में क्या होता है जब जो चप्पल जूता पहनते जो बीच उठा होता है, तो जब ईमान उठा हुआ यहाँ पे तो पूरा प्रेशर ही पड़ गया तो तलवे को आराम मिलता है, पेन 99% कम हो जाता है। तो जब भी आप चप्पल पहने घर पे तो मिड आर्च सपोर्ट चप्पल पहने, डॉक्टर सॉल कंपनी का ऑर्थोटिक चप्पल होता है जो कि बाटा के यहाँ मिलता है, या एक और कंपनी है ये मेट्रो वाले के शोरूम में मिलता है, शोरूम के उनके भी मिलता है ये, या ऑनलाइन भी मिल सकते हैं आपको, इसका कॉस्ट होता है 2500 रुपये। सिमिलरली अगर आप कोई घर जहाँ तो हो सकते कभी जाए तो बाहर जाए स्पोर्ट्स शू पहने, स्पोर्ट्स शू उसके अंदर बीच में मिड आर्च सपोर्ट वाला हो, उससे 90% आपका पेन ठीक हो जाएगा। बाकी 10% के लिए आपको अपने पाँव को ये स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी, ये काफ की जो है ये मसल को स्ट्रेच ऐसे करना पड़ेगा आपको, उसका मैं वीडियो बता रखा मैंने। तो आज यही दिखाना चाहता कि चप्पल से, बिकॉज प्लांटर फेसियाइटिस होता है इम्प्रॉपर फुटवेयर के लिए की वजह से।